नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम रेशो का आउटलुक देखेंगे। देखिए, कमोडिटी रेशो की अगर जब बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान आता है गोल्ड सिल्वर रेशो। बिल्कुल सही। देखिए, गोल्ड सिल्वर रेशो एक तरह से ऐसी रेशो है जो इकोनॉमी और अनसर्टेनिटी दोनों से मेल से बना हुआ है। जब हम गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं तो गोल्ड एक तरह से अनसर्टेनिटी को प्रिवेल करता है और सिल्वर है वो इकोनॉमी को। तो जब भी ये रेशियो में एक तेजी आती है तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी बनी हुई है, और जब भी ये रेशियो में गिरावट आती है हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ी है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो 2020 में जब कोविड कंसर्न था, पेंडेमिक की वजह से हम देखें तो कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर रेशियो 120 के ऊपर पहुंच चुका था। जबकि यही 2011 की अगर हम बात करें तो वहां पे हमने देखा था कि गोल्ड सिल्वर रेशियो 32 तक नीचे में आ चुका था, जब इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। तो ज्यादा करके जो ट्रेडर्स है इस रेशियो पे इसलिए ध्यान रखते हैं बिकॉज इससे एक पता चल जाता है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। बिकॉज जब गोल्ड महंगा हो रहा है तो मतलब अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं हो रही है, एंड नतीजन हम चांदी में गिरावट देख पा रहे हैं, अंडर परफॉर्मिंग ऑफ अदर एसेट क्लास। गोल्ड सिल्वर रेशियो एक तरह का हम बोलते हैं मार्केट सेंटीमेंट या इकोनॉमिकल कंडीशन बताने वाला एक ऐसा इंडिकेटर है जो बताता है इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी है या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, इन्वेस्टर सेफ हेवन की तरफ दौड़ रहे हैं या ग्रोथ की तरफ दौड़ रहे हैं। ट्रेडर इसको एक तरह से हेजिंग पर्पज से भी लिए यूज करते हैं बिकॉज वॉलिडिटी भी अच्छी है मार्केट में और एक तरह से इंडस्ट्रियल सेंटीमेंट पता चल जाता है। तो रिसेंटली हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर रेशियो 10 मई को लगभग 79 का लेवल छूने के बाद 28-29 मई के आसपास हमने 85 तक का लेवल छूते हुए देखा। सिंस देन मार्केट में कंटिन्यू गिरावट बनी हुई है। नो डाउट अब पॉइंट नंबर डी पे अगर हम देखें तो 80 के बिल्कुल ऊपर हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक हार्मोनिक पैटर्न बना है। टू अर्ली टू से राइट डाउन बट हार्मोनिक अभी भी बेरिश इंडिकेशन ही दे रहा है बिकॉज आप अगर ट्रेंड लाइन देखेंगे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है। बट लेट अज्यूम कि अगर 81.50 के ऊपर अगर ये रेशियो जाती है तो डेफिनेटली हम वापस 82-83 के जोन में प्राइजेस पे जाते हुए देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये रेशियो एक बाउंस की गुंजाइश दिखाती है। बट ये भी ध्यान रखना अगर पॉइंट नंबर डी मतलब 80 के नीचे अगर प्राइजेस थोड़ा भी होल्ड होता है तो डेफिनेटली प्राइजेस के अंदर हम बड़ा फॉल देख पाएंगे। और ये फॉल कब हो सकता है? जब अनसर्टेनिटी मार्केट से खत्म हो जाए और सामने हम फेड की मीट देख रहे हैं। तो अब इम्पॉर्टेंट है कि सामने फेड अपनी मीट में बोलने वाला क्या है, क्योंकि अगर फेड ने अनसर्टेनिटी बताई कि प्रिवेल हो सकती है तो ये रेशियो में हार्मोनिक पास होता हुआ दिखाई देगा और मार्केट में एक जंप दिखेगा जिसका मतलब है सोना आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा चांदी को। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो अगर ये फॉल होता है तो चांदी आउट परफॉर्म करेगी, लेकिन वो कब? जब अनसर्टेनिटी खत्म होते हुए दिखे। तो टाइमिंग मेक और ब्रेक सिचुएशन बना हुआ है गोल्ड सिल्वर रेशियो में अगले दो सेशन के लिए। फेड के मिनट्स के बाद क्लैरिटी मिलेगी क्या ये 81.50 का लेवल तोड़ के बाउंस करेगा या 80 के नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। इस चीज के ऊपर आपको नजर रखना है। ओवरऑल वैसे अगर देखा जाए हार्मोनी को लेकर तो जब तक प्राइजेस 80 के ऊपर मेंटेन है मे बी पॉसिबल है कि हम हायर साइड के अंदर 86 तक का भी लेवल जाते हुए देख पाएंगे गोल्ड सिल्वर रेशियो में। अब इसमें ट्रेड कैसे लेना है? तो ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले आपको गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी इनको वैल्यू न्यूट्रल करके लेना पड़ेगा। वैल्यू न्यूट्रल करने के लिए आपको 3 लॉट गोल्ड मिनी के लेने हैं और 5 लॉट सिल्वर मिनी के बेचने हैं। अगर हम 3 और 5 का अगर कॉम्बिनेशन रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि लगभग एक वैल्यू न्यूट्रल 18 लाख के आसपास का पहुंच जाएगा। तो वैल्यू न्यूट्रल करके ट्रेड करना चाहिए इसमें। और अगर हम टेक्निकल राइटअप्स की बात करें तो RSI इस वक्त 29.69 आ गया, जो ओवरसोल्ड जोन में आता हुआ दिखाई दे रहा है कि मार्केट काफी ज्यादा सीवियरली ओवरसोल्ड में है। 30 के ऊपर रिकवर करने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब है जो हमने हार्मोनिक देखा है वो हार्मोनिक काम करता हुआ दिखाई देगा। वहीं फिशर ट्रांसफॉर्म की भी अगर हम बात करते हैं तो ये भी दिखा रहा है कि मार्केट -3.4 तक पहुंच चुका है जो अब रिकवर कर सकता है। तो अगर रिकवरी आती है तो कहीं ना कहीं रेशियो में बाउंस आता हुआ दिखाई देगा। चौपीनेस इंडेक्स बता रहा है मार्केट में हाई वोलेटिलिटी रहेगी। वही मूविंग एवरेजेस में अगर देखें तो प्राइसेस इस वक्त 81 के करीब है, 50 मूविंग एवरेज के बिलो ट्रेड कर रहा है और 200 मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, जो साइन ऑफ
वीकनेस ही है, और मैकडी भी लास्ट में अगर हम देखते हैं तो वो भी नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड में आने की वजह से हमें लगता है कि हार्मोनी काफी सक्सेस रह सकता है और यहाँ से एक बाउंस दे सकता है। तो इन ऑल गोल्ड सिल्वर रेशियो में एक बाउंस की उम्मीद है एज पर हार्मोनी, जब तक 80 का लेवल ब्रीच नहीं करता है एक बाउंस देखते मिल सकते हैं, जिसका मतलब है सोना आउट परफॉर्म कर सकता है चांदी को। तो ओवरऑल हम गोल्ड सिल्वर रेशियो में टेम्परेरी बाय करके चलेंगे और हायर साइड में 86 तक का लेवल हम देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।